दोस्तों आइए आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर बनाते हैं कि डायरेक्ट सोलर से हमारा जो लैपटॉप है उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं विदाउट बैटरी, या फिर हमारा जो फास्ट चार्जिंग मोबाइल आजकल आ गया है मार्केट में जैसे कि 30 वाट 65 वाट, तो उससे भी कैसे चला सकते हैं वो आइए हम देख सकते हैं कि कैसे इसको रन कर सकते हैं एक विदाउट बैटरी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग आज बजट रखा है 3500 के आसपास, तो इजीली आपके पास तो होगा ही, तो उससे एक बढ़िया सा सेटअप लगा सकते हैं। तो आप लोग पहले चलते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल, तो इसका प्राइस होगा आपको 3000 के आसपास, क्योंकि हम लोग लिया है 100 वाट का पैनल, तो 100 वाट का पैनल आजकल मार्केट में इजीली से 3000 के आसपास मिल जाएगा, जैसे कि जाल सोलर हो गया, बाकी अदर कंपनीज भी आपका जो प्राइस है डाउन करके रखा है। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा जो चार्ज कंट्रोलर लगता है, लेकिन दोस्तों हम लोग इतना चार्ज कंट्रोलर नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जानते हैं कि चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बैटरी का जरूरत होगा। तो इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखा होगा कि डीसी टू डीसी स्टेप डाउन बोल के मॉड्यूल है, तो इसको इस्तेमाल करके हम लोग वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं या फिर आपका जो इन्वर्टर है उसमें सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इधर डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे, जो आपको 10 वाट का भी आपको मिल जाएगा इन्वर्टर है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 50 वाट का। तो 50 वाट का हम लोग छोटा सा इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे जो आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा, जो आपको करीबन 250 से लेके 300 रुपीज़ या फिर 400 रुपीज़ तक पड़ सकता है अच्छा सा क्वालिटी का। तो और दोस्तों हमारा डीसी टू डीसी जो स्टेप डाउन मॉड्यूल है उसका भी प्राइस आपको 300 से 400 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आप लोग प्राइस भी देख सकते हैं। तो करीबन आपको 3500 के आसपास टोटल पूरा सेटअप पड़ जाता है। तो इधर मैंने एक एक्सटेंडेड जो पोर्ट लगा के रखा है, क्योंकि दोस्तों ये तो आपके घर में होगा ही, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप का चार्जर पोर्ट है वो दोस्तों 3 पिन प्लग है और हमारा जो जो इन्वर्टर का आउटपुट पोर्ट है वो दोस्तों 2 पिन प्लग है, तो इसलिए हम लोगों को एक्सटेंडेड पोर्ट का जरूरत होगा जो इधर पावर को कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग शुरू से चलते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप का चार्जर है दोस्तों वो आपको करीबन 19 वोल्ट सप्लाई देना होगा, और दोस्तों ये दोस्तों एसी जो वोल्टेज है वो आपका 100 से 200 220 वोल्ट तक आपको देंगे, तो इजीली से रन कर पाएगा। तो हमारा जो इन्वर्टर है दोस्तों बेसिकली इस छोटा इन्वर्टर, तो ये दोस्तों आपको 100 से 220 वोल्ट तक आपको फ्लुएंटली आपका जो वोल्टेज रन करता है, तो इसलिए दोस्तों परफेक्टली वर्केबल है इस इन्वर्टर के हिसाब से। तो आप लोग इधर एम्पियर भी देख सकते हैं, 3 एम्पियर के आसपास जाएगा, तो करीबन आपको 50 से 60 वाट तक आपको कंजम होगा आपका इस सिस्टम चलाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों 100 वाट पैनल अवर लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों सुबह के शाम टाइम और दोस्तों शाम के टाइम में आपका मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा आपको सोलर से। आप लोग इधर 50 वाट का लेंगे तो आपको करीबन दोस्तों आधा उसका आधा जैसे 30 वाट तक आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग 100 वाट एक पैनल यूज इस्तेमाल करोगे तो आपको 50 से 60 या फिर 70 तक आपको इजीली से आपको आउटपुट मिलने लगेगा, और दोस्तों आपको सिस्टम जो है फुल्ली जो एकदम स्मूथली काम करने लायक होगा। तो ये हो गया हमारे दोस्तों पैनल के बारे में। और दोस्तों तो इसका कनेक्शन कैसे करें, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे छत में 3 पैनल लगा के रखा है, तो ये 3 पैनल आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक 100 वाट का पैनल ही काफ़ी है। तो उधर हम लोग क्या करेंगे कि वायर से हम लोग देख सकते हैं कि जो घर के अंदर हम लोग ले चुके हैं, और दोस्तों छोटा सा वायर जो दो वायर है इसको मैंने अलग से कनेक्शन करके रखा है। तो इसके आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल है इसको इधर मैंने रखा के रखा है, और दोस्तों इसका ब्लू लाइट जल रहा है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये वायर केबल है, तो उधर से एक वायर निकल के ले जा रहा हूँ मेरा बैटरी के पास। तो इधर दोस्तों आप लोग बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बैटरी भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको जब सूरज के पास बादल छाया गया है तो क्या होगा कि आपका परफेक्टली आपका सूरज नहीं आने से आपका जो वाट जनरेट नहीं होगा, पावर जनरेट नहीं होगा, तभी जाकर आपका सिस्टम जो है डाउन हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो आप लोग एक बैटरी इस्तेमाल करोगे आपका, जैसे कि छोटा सा UPS का अंदर जो 7 एम्पीयर का बैटरी है वो भी इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको परफेक्टली वर्क कर जाएगा, और दोस्तों एक एक्स्ट्रा सेफ्टी भी रहेगा। तो उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है तो इस बैटरी से हम लोग ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आपका जो डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल है उधर आपको आउटपुट से आप लोग इधर दे सकते हैं। तो इधर देने के बाद आपको देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो जल चुका है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग हम लोग चलते हैं
तो एक्सटेंडेड बोर्ड के पास। तो एक्सटेंडेड बोर्ड से क्या होगा कि हमारा जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो 2 पिन आउटपुट है। दोस्तों हमारा लैपटॉप का जो चार्जर है वो 3 पिन इनपुट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड है तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो उस कनेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम पूरी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग स्विच ऑन करते हैं, देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप का चार्जिंग है स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके का आप कोई फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों, क्विकली चार्ज होगा। नॉर्मल जो डीसी चार्जर होता है उस मुकाबले उस कंपेरिजन में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा इस एसी चार्जर को। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों डिटेल्स के साथ इसका कनेक्शन देखना है कि किस तरीके का पूरी सिस्टम कैसे मैंने जोड़ा है, तो उसके लिए आप वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका फुल डिटेल्स के साथ इसको एक बना दूंगा।